दोस्तों नमस्कार। और आज हम पूर्वी चंपारण के एक ऐसे गौशाला में आए हैं जहां पे एक सुखद अनुभूति प्राप्त हुई, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गौशाला के मालिक और सनाउल्लाह चचा। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे जो कि क्लियर करेंगे हमारे सनाउल्लाह चचा। और बताइए चचा कि आपको, आप कैसे इसका स्टार्ट किए और कैसे एक गाय से आपने इतना बढ़ाया? देखिए बुआ, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गौपालक हैं जी। हमारे बाबा यानी हमारे परदादा भी गाय पालते थे जी। हमारे बाबूजी के ज़माने में भी गाय पालते थे। मेरा उम्र 68-69 साल हो रहा है। हम बचपन से हम अपने दरवाजे पर गाय पालते आ रहे हैं जी। तो हमारे दरवाजे पर 1-2-3 गाय हुआ करती थी, ज़्यादा नहीं। 2007 में जब न्यूजीलैंड का एक वैज्ञानिक रहस्यघाटन किया जी। कि भारतीय जो गोवंश है इसके दूध में बहुत शक्ति है, यह अमृत समान है, इसका दूध A1 A2 बीटा गोल्ड है। A2 दूध के बारे में न्यूजीलैंड का वैज्ञानिक ही बताया। हमारे देश के ऋषि मुनि तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, मगर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जी। आज पूरी दुनिया में A2 मिल्क के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ब्राज़ील जो भारत से गोवंश ले जा करके गिर गाय, ब्राह्मण गाय, रेड सिंधी, थरपारकर, साहिवाल, पूरे ब्राज़ील में आप उठा करके देखिए कि ले जा करके ये गायों को संवर्धन के जरिए 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर तक दूध दे रही है हमारी भारतीय गोवंश। और हमारी सरकार जब से संकर नस्ल की गाय इस देश में प्रवेश किया तो भारतीय गायों पर ध्यान देना कम कर दिया। कुछ मठ मंदिरों में और छोटे बड़े गौशालाओं में ये गाय बची हुई थी। ये गाय विलुप्ति के कगार पर है सच पूछा जाए तो। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 92 करोड़ गाय थी हमारे देश में जी। अब नाम मात्र को ही देसी गाय रह गए हैं। 39 नस्ल की गाय पाई जाती थी हमारे भारत में। अब ये आज़ादी के समय की, उसके बाद उसके बाद अभी इस समय गाय बहुत कम है भारतीय गोवंश जी। हाँ, तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। किसी एक आदमी किसी एक जाति को दोष दे करके नहीं बच सकते हैं, क्योंकि बीफ सप्लाई में भारत कभी पहले पायदान पर कभी दूसरे पायदान पर है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं अपनी गौशालाओं की गौ सेवा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो 8-10 नस्ल जो भारत में बचा हुआ है, साहिवाल, रेड सिंधी, थरपारकर, गिर, कांकरेज, गंगोत्री, बद्री, नागौरी, ये गाय दुधारू नस्ल की गाय है। इसके दूध में A1 A2 बीटा गोल्ड पाया जाता है जो बीमारियों से लड़ने में अद्भुत क्षमता है इसके अंदर में। इसको दूध पीने वाले को कोई बीमारी होता नहीं, अगर है तो उसमें बहुत फायदा करता है। कृष्ण भगवान जब गाय पालते थे, जब उनके दरमियान में गाय था तो यही सब गाय भारतीय गोवंश उनके पास था, और जो अभी विलुप्त हो रहा है। हमारे पास हमारे पूर्वज देसी गाय पालते आए हैं। खुशकिस्मती से 1978 में हम एक साहिवाल गाय का बछड़ी हाजीपुर मेला से खरीद के लाया था, जिसका वंश हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। उससे है ना 2-3 हमारे पास है उस पीढ़ी में से, ब्लड लाइन बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हम लोगों के सामने ये जो गौ माता दिख रही है जी, ये राठी नस्ल की गाय है जी। बहुत अच्छा दुधारू है। अभी ये 14 किलो दूध दे रही थी बियाने के टाइम में। ये अभी गाभिन है ये जी। ये मार्च में फरवरी में बच्चा देगी जी। अच्छा, और इसी का बच्चा है ये जो साहिवाल का सीमन दिया गया था जी। ये भी गाभिन है और ये फरवरी में बच्चा देगी। इधर आइए, ये जो गाय देख रहे हैं भारत का सबसे बढ़िया साहिवाल जो बादल बुल है जी, उसका बच्चा है जी। ये बादल का सीमन जल्दी मिलता नहीं है हमारे यहाँ, ये खास करके हम सुदूर बिहार में रहते हैं, नेपाल के किनारे में। बड़ा मेहनत मशक्कत से इसका सीमन ला करके हमने अपने गाय को दिया था, AI करवाया था, तो ईश्वर की कृपा हमें ये बछिया आई है। और ये भी गाभिन है जी। ये जनवरी 1st वीक में बच्चा देगी। बहुत ही शांत स्वभाव की है और इसकी माँ 16 किलो दूध देती है। और उसके बाद ये आई है, इसका दूध अभी कितना, मतलब इसका दूध पहले बयान में 14 किलो दूध देगी, 14 किलो, दूसरे बयान में 16-17 किलो दूध जिसका पक्का जाना चाहिए। और सब कुछ डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर जी। स्वास्थ्य इसका बहुत अच्छा है,
तो इंशाल्लाह हम आशा करते हैं कि हो सकता है 15 किलो दूध भी दे देवे। मगर दूध के विषय में दूध में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए किसानों को। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये गाय 45 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ सकती है, खेल सकती है, क्या HF जर्सी ऐसा रह सकती है? वो तो उसका हालत खराब हो जाता है गर्मी में। अगर हमको 12 किलो दूध भी मिलता है इस गाय, तो वही अमृत समान दूध है। इस दूध का रेट अच्छा मिलता है। गांव में भी हम किसी में कहीं भी दूध सप्लाई नहीं करते। हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, 50 रुपये लीटर हमारा दूध घर पर ही बिक्री हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हम खुश हैं। अच्छा, आपसे चाचा एक बात जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपने इसको अब धीरे धीरे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में कुछ अच्छे संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोगों को जोड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं दूध जो इस इतने अच्छे नस्ल की गाय है और इसके दूध में ये प्रोटीन की मात्रा है, A2 मिल्क आपने जो अभी बताया, तो इस दूध का कीमत जो है हमारे ये ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता नहीं है, जागृति पैदा करना होगा जन जागरण के जरिए। मैं अपने से जहाँ तक हो सकता है कोशिश करके मैं लोगों को बताते रहता हूँ, भाई ये भारतीय गोवंश है, इसको पालिए, उसका दूध खाइए। हमारे पूर्वज इसी का दूध खाते थे, जो बीमारियों का नाम निशान नहीं था। जब से ये गाय विलुप्त हुई और दुनिया भर की बीमारियाँ हमारे देश में आ गई जी, तो बहुत लोग समझ रहे हैं देहात में 50 रुपये लीटर ठीक है, और जहाँ तक ये हैदराबाद में इसका दूध A2 दूध 175 रुपये लीटर बिक रहा है, बम्बई में 175 रुपये लीटर, अहमदाबाद में भी 175 रुपये लीटर बिक रहा है, दिल्ली में 150 रुपये लीटर मिलता है, कहीं कहीं 100 रुपये, पटना में हमारे फारूक साहब हैं जिनके पास 25 साहिवाल गाय है, तो 100 रुपये लीटर उनका दूध बिक रहा है पटना में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और बिहार के लोगों को अगर पता लग जाए कि यह अद्भुत क्षमता है बीमारियों से लड़ने में, साक्षात अमृत हमारे सामने पड़ा हुआ है और इसका कदर हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल से बिहार के लोग इस मामले में बहुत आगे हैं। इनको एक बार पता लगना चाहिए, अभी लोगों को मालूम नहीं है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। इस पे पूरे मैं पंपलेट के जरिए मैं जाता हूँ जन जागरण में, कोर्ट में जाकर के मैं वकील साहब लोगों से उस रोज है ना अपना ये बात रखा, तो करीब 200-300 वकील साहब हमारी बात को बड़ा गौर से सुने और दूध का डिमांड वो लोग किए हैं, तो अभी तो हमारे पास उतना ज्यादा। अच्छा, इसका मतलब इतने गाय है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 7 गाय है हमारे पास। अच्छा, टोटल बछिया और एक बाछा जी, तो इसका नामकरण भी कुछ सुन नाम रखे। आइए मैं आपको शुरू तरफ से बता रहा हूँ, देखते हैं और हम लोग चलते हैं अब नाम से कैसे पुकारते हैं और प्यार करते हैं। ये बछिया जो देख रहे हैं जी, ये दूसरे जगह से मैं लाया हूँ, NDRI का सीमन है, और ये 15 दिन की थी, इसकी माँ मर गई थी, तो मैं इसको लाके दूध पिला के पाला, तो हमारे बच्चों ने सबको है ना इसको नीमकी मुखिया नाम दिया। अच्छा, नीमकी मुखिया जो सीरियल है उसके उसके वो भी ये भी बहुत चंचल है। तो आपको कैसे मतलब विचार आया कि इसका नीमकी अच्छा लगा, ये चंचलता इसकी देख करके, ये बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, तो अच्छा, ये जब इसका इसकी माँ जो थी 15 दिन पे मर गई, तो ऊपर का दूध पिलाने से क्या इसके दूध नहीं, देखिए A2 दूध अगर ये कोई प्रेम से पी रही है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमारी गाय इसको पिलाती थी जी, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 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 क्या कर रही है, देखिए कैसे प्यार करती है, और हम गाय को और ये जो बछिया है और कितनी प्यारी, अगर कोई बच्चे देखने में लगते हैं उतने ही प्यार करते हैं, और पूरा जैसे चुम्बन आदमी करता है वैसे जो है गाल में, देखिए इनको, और ये गाय है जैसे कि प्यार करने में, और ऐसे गौ प्रेम, और देख सकते हैं सनाउला चा अपना जो है ये दोनों तरफ से एक बछिया और गाय, ये खाना छोड़ के और इनसे ऐसे प्यार जो है चुम्बन करने आती है, देखिए इसको ये प्रेम देखिए, अगर आप सही में देखिए ये प्रेम देखिए, ये प्रेम कैसा होता है, और ये हमारी कान का हर रोज एक कुर्ता खराब करती है ये इनकी प्रेम देखिए, आप वाकई में विश्वास नहीं किए होंगे कि काश जाति धर्म से उठ के और एक प्रेम ऐसा शब्द है, देखिए वाह 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 वाह, अरे दांत मत काट, देखिए क्या प्रेम है ये।
ऐसे काश अगर हम आदमी अगर प्रेम कर लेते तो शायद इस दुनिया में वाह वाह रही। अच्छा एक बात बताइए, हम ये बोलना चाहेंगे कि आपने गौ प्रेम में ये प्रेम दिखाया, काश ये अगर हम लोग जाति धर्म को हटा के और आदमी प्रेम करने लगे, गौ पालन कर लेगा तो समाज में बहुत गौ पालन, ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ऐसा जरूरत है कि 10 साल के बाद अगर जो इस पर भारवारी सरकार, भारत सरकार नहीं सोचेगी तो इस देश में कैंसर का आंकड़ा पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको कलाना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा दवा नहीं बना है कि जिसको खा लेने के बाद में हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, मगर प्रकृति का देन, ईश्वर का दिया हुआ ये गाय का दूध है, जो इसका सेवन करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा, नहीं इससे बड़ा एंटीबायोटिक और दुनिया में क्या हो सकता है। अच्छा जर्सी गाय जैसे हमारे यहाँ किसान, जैसे देखिए लोगों को पेट पालना तो है ही, दूध खाना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ लोग जीविकोपार्जन करते हैं। गाय रखने का जरिया हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग उससे अपने खाने पीने के साथ साथ कुछ जो है अपना खर्चा भी निकालते हैं। तो क्या मतलब जर्सी गाय चिंता के विषय बन गई है ना हमारे भारत देश में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? अभी देखिए एक चीज है, आप तो जो जर्सी गाय है, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप दूध के लिए गाय पालते हैं, जर्सी गाय मानता हूं थोड़ा ज्यादा दूध देती है, तो उसके दूध का रेट नहीं आपको बढ़िया से मिलता है, आप किसी में दूध में देते हैं, सुधा में देते हैं या मदर डेयरी में या किसी भी डेयरी में देंगे तो 25 रुपये, 28 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये आपको मिलेगा। मगर ये इस गाय का दूध आराम से आप किसी गांव में 50 रुपये लीटर बेच सकते हैं। तो एक सवाई डेढ़ा तो दाम आपका इसी बढ़ गया। दूसरी बात क्या है, वो 15 किलो 16 किलो करती है, ये 12 किलो 13 किलो करती है, ये गाय बीमार नहीं पड़ती है, ये 50 डिग्री टेम्परेचर में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कितना फायदा है। दूसरा एक बेनिफिट है, जर्सी और एचएफ गाय 4 बियान 5 बियान के बाद में वो बूढ़ी हो जाती है, कैंसर हो जाती है, मगर ये गाय ये 15 बियान 16 बियान भी आती है। आप सोचिए कितना लॉन्ग लाइफ है, 25-30 साल इसका एज है, कितना फर्क है, ये सोचने वाली बात, सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात आपने बोला। और दो का नाम तो हमने सुन लिया, अब इन सबों का थोड़ा सा एक बार नामकरण देख लिया जाए कि क्या है। इसका नाम हम रखा हूं अतिया। अतिया, अतिया का मतलब होता है, अरबी का शब्द है, अतिया का मतलब है ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। तोहफा, हाँ। अच्छा आपने फॉरेन में भी रहा, अरब कंट्री में भी रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आपने कैसे, आपके दिमाग में आया, पहले आपने हमसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी तो आप बोले कि काश हम आपके समय में अगर ये गौपालन स्टार्ट किए होते तो हाँ, हमारे पास इस समय 200 गाय होते। हमारे जहन में ये बात आया नहीं, बाल बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए हम विदेश चला गया, वहाँ अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा मिलता था, मगर मुझे दिल क्यों सुकून, अभी प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत अच्छा कपड़ा का दुकान था, कपड़ा का दुकानदार है, कितना आराम से रहता है, मैं सबको तिलांजलि देकर के गौपालन में आया। मेरा 50 लाख का मकान है वहाँ, और अभी भी मेरा कम से कम 2 लाख का कपड़ा उसमें पड़ा होगा, 20 लाख का दुकान था। मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि झूठ का सहारा लेके 2 पैसा कमाया जाए, और सच बोल करके ही अगर पेट भर रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर आपको सीखना हो तो देखिए सनाउल्लाह चाचा का ये प्रेम, और आप कुछ ही देर पहले देखे कि कैसे ये बच्चिया प्रेम कर रही थी, और काश ये प्रेम आप भी इस वीडियो को देखने के बाद, काश आपका दिल पिघल जाएगा और जरूर आपने उस जितने संसाधन में उतने ही में आप व्यवस्था करके और जरूर एक बचिया से स्टार्ट करेंगे। क्या चाहिए ऐसे दिल में जो वीडियो देखने के बाद, भाई अगर देखिए बिहार में साहिवाल गाय उपलब्ध नहीं है जी, तो अगर किसी भाई के पास जर्सी गाय है, अभी सिम देने का टाइम आया तो उसमें साहिवाल का सीमन दे, क्रॉस ब्रीड आएगा, दूसरे जनरेशन तीसरा जनरेशन में वो सही साहिवाल हो जाएगा, तो वो 14 किलो 15 किलो दूध भी देगी, दूध का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, गर्मी के तापक्रम में उसको कुछ होगा नहीं, जिस तरह पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापक्रम बढ़ रहा है, तो मजबूरन जर्सी और एचएफ गाय को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना बीमार पड़ती है, इतना बीमार पड़ती है, सुबह में ठीक है शाम को बीमार हो जाए, हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से वो बिल्कुल सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है। अच्छा राधा 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 जो अभी आप बोल रहे थे, आफिया दिया, इसका ही बच्चा राधा है जी, अभी ये बच्चा देकर के 12 दिन हो गया, हाँ हाँ ये 12 किलो दूध दे रही है, और कितना दूध चाहिए भैया,
12 लीटर दूध दे रही है। सुबह और शाम मिल के इसका 24 लीटर दूध हो गया। नहीं, 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 12 किलो। अच्छा, सुबह शाम मिल के 6 किलो, सुबह में 6 किलो शाम को। अच्छा, तो ये मतलब कितने अभी बार बच्चा दी, कितने भी फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम ये क्या हो गया था कि पहले बार सीमन दिए थे तो एक्सेप्ट नहीं किया, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, एक साल ये ऐसी खींच लिया। मैं भी प्रण कर लिया था कि जब तक रहोगी तब तक इलाज कराऊंगा, और करते करते तो ईश्वर को भी दया आया। सबसे बड़ी बात है ये है कि आपने बोला हम भी गांव में रहते हैं और गांव की ये समस्या है। आपने अभी बोले थे कि हम अपने से आयुर्वेद जो है गांव की जड़ी बूटियों से मिला के गाय को, ये जो मतलब गर्भाधान होता है हमारे यहाँ जो है गाय बार बार उसको सीमन दिया जाता है, इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाय का हमारे यहाँ का किसान है ना, बढ़िया से ध्यान दे, हर 3 महीना के अंदर में 3 महीने पर उसको है ना डीवार्मिंग करना चाहिए, कीड़ा का दवाई देना चाहिए। अगर कीड़ा का दवाई नहीं दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, हेल्थ पर, अगर एक स्वस्थ आदमी ही हर चीज़ उसका स्वस्थ होगा, अगर वो स्वस्थ नहीं है, किसी वजह से कोई शारीरिक कमी है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके वजह से उसको है ना मिनरल देना चाहिए, मिनरल में संपूर्ण विटामिन उसको मिलता है, और मिनरल अगर वो वहाँ से न दे करके अपना जो अपना देसी मेथड से है वो भी मिनरल दे सकता है, जैसे गुड़, सरसों की कली, सरसों का तेल, गेहूं का चोकर, ये मसूर का दाल और ये मकई का दरिया, ये इसमें पूरा आहार मिलता है। हरा चारा इसको कंपलसरी चाहिए, क्योंकि ये चौपाया जानवर है, इसको हरा चारा मिलना चाहिए, हरा चारा का पूरा बंदोबस्त रखना चाहिए। बारसिंग हो गया ऐसे जो है वो अभी बहुत सारा घास निकल चुका है। और राधा, राधा आपकी किधर है? आइए, मैं राधा को दिखा रहा हूँ, आइए अब हम देखते हैं। और राधा तेरी प्यार, और ये राधा, राधे राधे राधे, और देखिए किसी का भी अगर छोटा बच्चा हो वो या जानवर हो या मनुष्य, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है। और देख सकते हैं आपकी ये जो है अभी खोल दिया जाए तो शायद उछाल, क्या लग रहा है कि राधा जो है कान्हा से मिलने चली जाएगी। और क्या बोल रहे थे, क्या मतलब इनका क्या नाम है ये जो मोहन है? मोहन, हाँ देखिए राधा के बाद हम लोग मोहन के पास भी जाएंगे। और चल रहे हैं हम, देखिए ये है मोहन। मोहन, अच्छा मोहन कुछ मारते गुस्सा जाते हैं क्या? बहुत गुस्सा वाला है, ये तो बहुत ये गुस्सा जाता है। राधा तो बहुत प्यारी है। मोहन ये खेलते खेलते इसको, अच्छा ये खाता नहीं है क्या? सही खा रहा है ना, इसको जब इच्छा होगा जितना तब खाएगा, लेकिन दूध भी पिया है ये। दूध पिया है। अच्छा, गांव में हमारे कुछ लोग हैं कि गौ पालक हैं, वो मतलब बच्चे को अपने जो है बढ़िया से दूध नहीं पिलाते, ये कहीं ना कहीं सोचिए। देखिए कायदे से देखा जाए, प्रकृति का ये रूप है, पहला हक किसी का है, पहला हक किसी का, अगर इसका हम हक काट रहे हैं तो ईश्वर के यहाँ हम ये पापी कहलाएंगे। इसको दीजिए, गाय को बढ़िया से सेवा कीजिए और आपके लिए भी मिलेगा। मिलेगा। और इसका हक काट के नहीं। और एक मतलब इस समय गंभीर हमारी है ना जी, बहुत दुधारू है, ये मिक्स ब्रीड है, साहिवाल है, ये मिक्स है, ये 17 किलो दूध करती थी, इस समय भी 14 किलो दूध दे रही है। तो ये कितने ये बियान की हो गई? ये चौथी बियान है, चौथी बियान है, ये 15-16 बियान भी आएगी। अच्छा, देसी नस्ल की जो हम लोग गाय पालते हैं उस किसान के लिए आप क्या मतलब बोल सकते हैं कि अगर वो सीमेन से क्रॉस कराए तो कैसा, मतलब अगर ऐसा हो सकता है नस्ल पैदा हो सकता है? देखिए जैसे ये देसी नस्ल है ना, ये भारतीय गोवंश है, ये बाहर से नहीं आया साहिवाल, जो 6 लीटर इस समय पहले बयान में दे रही है। ये भारतीय गोवंश है साहिवाल। देखिए, इंडिया पाकिस्तान जब एक था जी, तो पंजाब प्रांत में एक जिला है साहिवाल जी, वहाँ ये गाय का जन्म स्थान है। जिस तरह गिर गाय गुजरात के गिर के जंगलों में उसका जन्म स्थान है, इस तरह से साहिवाल और रेड सिंधी पाकिस्तान में एक सूबा है, एक प्रांत है, सिंध प्रांत, जहाँ पर लाल सिंधी गाय पाई जाती है जी। और थरपारकर जिला भी वही है।
थरपारकर गायक भी वही है। थरपारकर उसका नाम क्यों है, जो राजस्थान का मरुभूमि को जो बैल एक दिन में पार कर जाता था उसको है ना थर पारकर कहा जाता था, यानी थार रेगिस्तान को जो पार कर जाए। तो थार रेगिस्तान को पार करने के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर, बालू में चलना है, अद्भुत ताकत की जरूरत है, तो वो उसमें वो बैल और गाय पार कर जाती थी। पार कर जाती थी, जैसे ऊंट को वहाँ का ऊंट का मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। तो ये इन बैलों में बहुत शक्ति है, इन गायों में, बैल में। पुराने जमाने में तो बैल खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इस वजह से ये इनके पास इतना क्षमता है। और जहाँ तक जर्सी और एचएफ है उससे तो थोड़ा दूर ही चला नहीं जाता भैया। और एक चीज़ आपने अभी बोला था कि अगर हमारे यहाँ धरती मिट्टी के अनुसार अगर कोई वैज्ञानिक का भी ये कहना है कि अगर कुछ आपको बोना है तो उसके बीज के हिसाब से आपको मिट्टी चेक करके और बोना चाहिए, वैसे ही गाय में है, मतलब कि हम अपने क्लाइमेट के हिसाब से ऐसे देख ले कि हमारे यहाँ मतलब साहिवाल नस्ल के सेठ है हमारे पूरे ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में है जी। पूरे दुनिया का तापक्रम उल्टा पुल्टा हो चुका है। अब आप बताइए, अरबस्तान में, सऊदी अरब में बारिश नहीं होता था, वहाँ 50 बार बारिश हो रहा है, राजस्थान में बाढ़ आ रहा है। आप पहले सुने थे राजस्थान में बारिश नहीं होता था, वहाँ बाढ़ आ रहा है। ये सब ये वेदर का ऐसे अब ये प्रॉब्लम है। और ये इतना टेम्परेचर में जो यहाँ है ना गर्मी के दिनों में, वो जो गाय जो भाई हमारे पालते हैं उनसे जाकर पूछिए कि उनको कितना मशक्कत करना पड़ता है उनकी गायों को। ये तो हम ये जो पंखा नहीं भी लगाए इस गाय के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमको इनसे बहुत मोहब्बत है, हम चाहते हैं। मैं पंखा लगातार जो है लाइन से तीन पंखा चल रहा है, तीन पंखा है, खिड़की है, दरवाजा है, और स्पेस खुला हुआ है, हवा इसमें पूरा बराबर आता है, हवादार है। अच्छा, एक चीज और गंभीर ये बात करने वाली है और गंभीर मुद्दा है, जैसे कि एक बेरोजगारी है और एक रोजगार भी है, उसमें भी हमारे युवा है, हम युवा बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं घुट घुट के एक नौकरी करते हैं। मान लीजिए कि आदमी को अपना रोजगार लोग करते हैं या जो भी करते हैं, तो क्या अगर वो गौ पालन में आना चाहते हैं, उनके पास एक छोटा बजट हो, तो क्या उसमें क्या कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा बेरोजगारी दूर करने का समाधान ये रास्ता है। गौ पालन एक ऐसा है, पशुपालन में कह रहा हूं, भैंस भी पाल सकते हैं, गाय भी, जिसकी जो इच्छा हो। अगर भैंस पाले, गाय पाले, एक बात आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ के बिहार के हमारे बहुत सारे लड़के दिल्ली में जाके, दूसरे प्रदेशों में जाके दर बदर की ठोकर खाते हैं। अगर वो एक गाय या दो गाय पालना शुरू कर दे तो वहाँ से अच्छा इनका यहाँ ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़मीन जिसके पास है वो गोबर जाएगी खेत में तो फसल अच्छा होगा, अच्छा होगा, और परिवार में बढ़िया दूध मिलेगा खाने के लिए, दही घी मिलेगा खाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, आप अस्वस्थ हैं, तो पैसा किस काम किसी का काम का नहीं है। तो इससे हमको आज सनाउल्लाह चचा से बहुत बड़ी जानकारी मिली, और आप ये देखें गौ प्रेम कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया भी रखा हो तो आप सुखी नहीं रह सकते। तो आइए आप भी ऐसा, और इनके मार्गदर्शन पे चलिए, और गौ कम से कम आप ना हो तो एक गाय अपने खाने के लिए पालिए, और ये प्यार देख लीजिए कि बोला जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो, अच्छा एक बोला जाता है बीपी का बीमारी ऐसे, देखिए इसमें है ना सूर्य केतु नाड़ी है ना, इसमें गाय के अंदर, देसी गाय के अंदर होता है, इस पर ऐसे इसके माथे पर ऐसा हाथ घुमा कर आप ऐसे घुमाएंगे, सहलाएंगे और यहाँ दो तक जाएंगे, हाँ, तो आपका बीपी है ना आराम हो जाएगा। आपको कितना भी परेशानी होगा आप ऐसा सहला करके देखिए, अद्भुत आनंद, देखिए क्या प्रेम है। अगर इतना से आपका बीमारी दूर हो सकता है तो काश वो हॉस्पिटल आप भी छोड़ देंगे, और आज से आप अगर संपर्क में रहेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, आपके साथ साथ पूरा परिवार सुखी हो जाएगा जी।
और ऐसे ही हमें एक जाति धर्म से उठकर और कहीं ना कहीं समाज में गौ पालन को लाना होगा। और अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आप बेरोजगारी को का रोना रोना छोड़ दीजिए और एक गौ से चालू कीजिए। और आने वाले समय में अगर ऐसा सनाउल्लाह चचा को देखिए जैसे कि ये प्यार कर रहे हैं अपने गायों के साथ, देखिए कैसे प्यार कर रही है ये गाय अपना खाना छोड़ के, ऐसे आप देख सकते हैं कि ये गौ और मनुष्य में कोई धर्म का ये रिश्ता नहीं है। और इसमें ये नहीं पूछता कि कोई आप कौन से धर्म से हो, तो ये आप अगर इसे त्यागिए। और चलिए फिर आगे हम ऐसे ही यहाँ हम अभी हैं, थोड़ा सा लोकेशन पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी है, लेकिन पूरा लोकेशन हम जानेंगे सनाउल्लाह चचा से। थोड़ा सा बताइए, ये हमारा जिला है पूर्वी चंपारण है, चिरैया हमारा प्रखंड और थाना पड़ेगा। चिरैया से 5 किलोमीटर उत्तर है हमारे गांव का नाम मगुराहा। यहाँ से नेपाल कितने? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का दूरी है नेपाल बॉर्डर, और हमारे बिहार की राजधानी पटना यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं होगा, हाँ पौने 200 किलोमीटर होगा, पौने 200 किलोमीटर का लगभग यहाँ से बिहार की राजधानी पटना है। और ऐसे ही आपको हम मिलते रहेंगे किसी नए स्टोरी के साथ, और ऐसे प्रेम आप देख सकते हैं ये गायों के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय किसान, यही नारा लगाते रहिए। और आप लोग गाय की सेवा करते रहिए, और गाय के दूध खाना जरूर आपसे आप आज से स्टार्ट कीजिए। और ये पैकेट का दूध जो नकली दूध है उसको नकली दूध पाउडर अगर जो आदमी गाय पाल नहीं सकता है, अगर वो गाय का दूध खाएगा तो समझिए वो गाय सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, क्योंकि जो किसान पालता है उसको फायदा होगा तो वो और पालेगा। चलिए धन्यवाद।